हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी के नाइस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2019 एग्ज़ाम के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें वैदिक साहित्य के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले भी वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया था, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी चलिए वैदिक साहित्य के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ग्रुप में ऐड हो जाइए और ग्रुप से आपको अच्छे अच्छे पीडीएफ मिलेंगे इतिहास के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखिए फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है वह सिंधु नदी का किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, यानी उपनिषद काल के शासक थे राजा अशुपति, वह कहाँ के शासक थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये शासक थे कैकेयी के। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त होता है आपका कठोपनिषद से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वैदिक नदी कुंभा या फिर काबुल जिसको बोल देते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नदी का जो स्थान होना चाहिए वह अफगानिस्तान में होना चाहिए, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो ये वैदिक नदी है कुंभा, जिसको काबुल नाम से भी जानते हैं, इसका स्थान निर्धारित है अफगानिस्तान में होना चाहिए, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। देखिए, कपिल मुनि द्वारा जो प्रणाली चलाई गई थी वो सांख्य दर्शन चलाई गई थी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा आपका, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये आधारित है आपका सामवेद, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, सामवेद। तो सामवेद संकलन का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निमांकित में कौन प्रस्थानात्री में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका भागवत, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। देखिए, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, वो मीमांसा से है, किससे है, मीमांसा से, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें सम्मिलित करना है यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ने, तो अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखिए, सामवेद संगीत का वेद है, बिल्कुल सही है, यानी कि डी का 4 सही है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ए और बी में, डी में 4 ए और बी में ही है, ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा ए और बी में से ही बनेगा, ओके। और अर्थववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, अर्थववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, और ए का 3 इसमें भी है, यानी कि जो सही आंसर हमारा यहाँ पर बन रहा है वो पहले ही बन रहा है। तो इस तरीके से हम ध्यान से देख सकते हैं, सामवेद कहें का वेद है संगीत का, अर्थवेद औषधि का हो गया आपका, ठीक है, और ऋग्वेद ईश्वर की महिमा है जिसमें, और यजुर्वेद में बलिदान विधि है। तो यानी कि जो हमारी श्रृंखला बन रही है 3, 1, 2, 4 बन रही है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है चिकित्सा से, किससे संबंधित है, चिकित्सा से। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, चरक जैसे और जैसे चिकित्सा, ठीक है, चरक चिकित्सा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो देखिए, यज्ञ जो संबंधित हैं वे यजुर्वेद से हैं, सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी होगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक युगीन सभा, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में सही टिक करना है, गाँवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्र सभा थी। तो फ्रेंड्स, वैदिक युगीन सभा,
ये क्या होती थी आपकी, ये होती थी मंत्रिपरिषद होती थी। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो फ्रेंड्स, जो सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। वैदिक युग में जो सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो फ्रेंड्स, ये है सांख्य दर्शन, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सांख्य दर्शन भारत की आरंभिक विचारधारा थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांस और वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है या अभिव्यक्ति हुई। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वैदिक युग में। तो इनकी जो अभिव्यक्ति हुई है वो वैदिक युग में हुई है। जो भारत के छह दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांस और वेदांत। तो सही आंसर होगा, इनकी जो अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो ये जो नहीं लाई गई थी वह थी आपकी लुहारी या लुहारगिरी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, लुहार या लुहारगिरी, जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर होगा, दूसरे मंडल से सातवें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक ऋग्वेद में कौन से मंडल थे, वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। देखिए, जादुई माया या वशीकरण का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में है, जो वेद में सबसे बाद का वेद है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद, जो वेदों का में सबसे बाद का वेद है। तो इस वेद में जादुई माया और वशीकरण से संबंधित बातें लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश वंश को करता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में जो मंडल हैं वे 10 मंडल हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 10 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए। देखिए, आर्य भारत में सबसे पहले जो आए थे वे पंजाब में आए थे, लेकिन आए थे कहाँ से, वो मध्य एशिया से आए थे, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आर्य मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अशांत गद रूप से भी रचित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह यजुर्वेद होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इनका जो उल्लेख मिलता है वो अर्थववेद में मिलता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ थी और जिनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ऋग्वेद युग की जो सबसे प्राचीनतम संस्था थी वह विदित थी। कौन सी थी, विदित। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्रचलित या प्राचीन कौन है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है या प्राचीन है वह है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, यह ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित ग्रंथ था। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण या अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक है पाणिनि। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वह रामायण को दी जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, रामायण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है, तो फ्रेंड्स सबसे प्राचीन जो पुराण है आपका मत्स्य पुराण है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? देखिए ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ऑप्शन ए सही आंसर होगा कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संतुष्टि में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंद्र। इंद्र की जो सूक्ति की गई है ऋग्वेदिक काल में वो 250 बार की गई है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा अर्थवेद को, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा अर्थवेद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए वैदिक साहित्य के या फिर वैदिक संस्कृति के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके TGT PGT एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी को अच्छा बेहतर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए।